आपको लिए चलते हैं कश्मीर और वहां पर ईद की सौगात क्या है, कश्मीर का क्या चीज बहुत ज्यादा मशहूर है, हमें बताएंगे वहां से सरदार रजा। कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तरह यहाँ की मशहूर और कश्मीरी सौगात कुलचा और कश्मीरी बाकरखानी अपनी मिसाल आप हैं, जिसे इंतहाई मेहनत और महारत से तैयार किया जाता है। इनकी तैयारी में मैदे और अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा है, जबकि अहले कश्मीर न सिर्फ इसे शौक से खाते हैं बल्कि इसे बैरूनी ममालक भी भेजा जाता है। कुलचा और बाकरखानी मुजफ्फराबाद की अहम सौगात में से शामिल है। हर घर में ख़ास तौर पर कुलचा और बाकरखानी को इस्तेमाल किया जाता है और पसंद किया जाता है। कुलचे को या बाकरखानी को हम बैरूनी मुल्क अमेरिका इंग्लैंड भी यहाँ से लेके जाते हैं, जो भी आते हैं वहाँ से एक सौगात के लिए लेके जाते हैं। कश्मीरी सौगात तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि महंगाई से कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी की मांग में कमी वाक़ हो रही है। महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से कुलचे का कारोबार बिल्कुल डाउन हो चुका है, क्योंकि गरीब लोग बाजार में आते हैं, जितने 100-50 लेते देना होता है वो 10-5 ही लेते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो गया कारोबार करना। कश्मीर की सौगात से सैकड़ों अफराद का रोजगार भी वाबस्ता है। कश्मीर के ये लजीज पकवान अपनी लज्जत के बाद दुनिया भर में कश्मीर की सकाफत का हिस्सा तसव्वुर किए जाते हैं। कैमरामैन MD मुगल के साथ सरदार रजा, ARY न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तो पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, हर जगह की अपनी सौगात है और उसका अपना ही मजा है।